बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। हिंदी की पाठशाला में एक बार फिर से मैं आपका आज स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने स्वर अ सीखा था और आज हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज आ स्वर सीखेंगे। ये स्वर का दूसरा पार्ट है, या दूसरा स्वर कह सकते हैं हम इसे। हिंदी का दूसरा स्वर है आ। आज हम सीखेंगे आ, जिसे आप आ से आम भी कहते हो। तो आज हम देखते हैं आ से कौन कौन सी चीजें होती हैं। आ से आम, आ से आग, आ से आठ, जिसे हम इंग्लिश में एट भी बोलते हैं, और आ से आलू। सबने देखा है ना आलू रसोई में, जिसको आप इंग्लिश में पोटैटो कहते हो। तो आम बच्चों, आप मुझे ऐसा पता है कि, या ऐसी मुझे आशा है कि आपने जरूर आम देखा होगा। देखा है ना सबने, ये पीले रंग का होता है, कई बार थोड़ा हरा और लाल रंग का भी होता है, और ये बहुत ही रसीला होता है, और ये गर्मियों में पाया जाता है। जानते हो ना आप सब आम के बारे में, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का ये मन पसंदीदा फल भी होगा। तो आ से एक बार फिर मेरे साथ दोहराएंगे, आ से आम, आ से आग। आग देखिए बच्चों, लोहड़ी वगैरह पे जलाते हैं, होली पे जलाते हैं, तो वो भी आ से शुरू होती है। तो आ से आग, आ से आम, आ से आठ। आप जब काउंटिंग लिखते हैं या काउंटिंग लिखना सीखेंगे तो आप देखेंगे इस नंबर को, इसे हम इंग्लिश में एट भी बोलते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं आठ। इसको हिंदी में आठ का उच्चारण किया जाता है इसका। तो है आ से आठ, और आ से आलू। देखा है ना आपने आलू, जिसकी मम्मी सब्जी बनाती है, चिप्स बनाती है, तो आ से आलू। तो आपको आज चार चीजें पता चल गई आ से कौन कौन सी चीजें होती हैं। आ से आम, आ से आग, आ से आठ, आ से आलू। तो ये ना हमारा मौखिक अभ्यास। अब हम इसे लिखित में देखते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं, या हम इसको लिखने का तरीका सीखते हैं। आपने पिछली कक्षा में अस्वर सीखा था, तो मुझे उम्मीद है आप सबको ही वो लिखना आ गया होगा। आ से जो आ स्वर है वो लिखना बहुत ही आसान है। जब हम अ से अनार सीख जाते हैं तो हम आ भी बहुत ही आसानी से लिख पाते हैं। तो एक बार मेरी तरफ साथ देखेंगे, पहले हम अ स्वर बनाएंगे, अर्धवृत्त, एक और अर्धवृत्त, एक छोटी सी आड़ी रेखा और एक सीधी रेखा। ये तो हमारा अ स्वर बन गया। अब हमें बनाना है आ, तो हम आ बनाने के लिए इसके साथ एक और खड़ी रेखा लगा देंगे, या कहेंगे जोड़ देंगे। जब हम इसके साथ एक और खड़ी रेखा को जोड़ देंगे तो ये हमारा दूसरा स्वर बन जाएगा, जो कि है आ। इसका उच्चारण हम जब बोलते हैं तो हम अपने मुंह को थोड़ा सा खोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आ। और जब हम इससे पहले वाला स्वर बोलते हैं तो हम उसे बोलते हैं उ। तो उसके लिए हमारा मुख इतना बड़ा नहीं खुलता है, या हम उसको इतना बड़ा नहीं खोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अ, और इसे हम उच्चारण करते हैं आ। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों मेरे साथ, अर्धवृत्त, एक और अर्धवृत्त, एक आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक और खड़ी रेखा, और इसके ऊपर ऐसे लाइन। आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपका आज का गृह कार्य है कि आपको एक पेज आ स्वर की का अभ्यास करना है, बार बार इसका अभ्यास करना है। पर याद रखें कि जब भी आप इसका लिखित में अभ्यास करें तो इसका मौखिक उच्चारण जरूर करें। तो ये था आपका आज का होमवर्क। तो आपको आशा है आज का जो पाठ मेरे द्वारा लिया गया वो आपको समझ आया होगा। तो हम फिर दोबारा मिलेंगे बच्चों। बाय बाय, विल मीट अगेन।